हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 29 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है यहाँ पे, वो आई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर एशिया। देखो, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या पब्लिश किया गया है वो देखते हैं। अभी है एशिया के लिए जारी है वो की गई है। QS का मतलब यहाँ पे वो है क्वेकली सेमर्ट्स, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। एजुकेशन और स्टडी को लेके रिसर्च वगैरह करने का काम है वो इसका है। तो इसके द्वारा एजुकेशन को लेके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो अभी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया की टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन सी हैं एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, उनकी रैंकिंग जारी की गई है। देखो, अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया की टॉप 30 में कोई भी यूनिवर्सिटी है वो नहीं आई है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नंबर 1 पे एशिया की जो यूनिवर्सिटी है वो है सिंगापुर की यूनिवर्सिटी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, वो फर्स्ट रैंक पे रही है एशिया में। फिर बाकी सेकंड और थर्ड वगैरह की एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे सिंगापुर की है, नंबर 2 पे भी सिंगापुर की है, इसके बाद में हांगकॉन्ग, फिर चाइना की जैसी हैं। मतलब इंडिया की टॉप 30 में कोई भी यूनिवर्सिटी है वो नहीं रही है। इंडिया की लगभग 96 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं, किसमें 550 रैंकिंग तक। मतलब काफ़ी कम इंस्टीट्यूट हैं वो इंडिया के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जबकि टॉप 30 में तो इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम हायर एजुकेशन के एरिया में प्ले कर पीछे जा रहे हैं। इसी के साथ ही बताया गया है कि IIT बॉम्बे है वो इंडिया की तरफ से टॉप रहा है, और उसकी रैंकिंग भी इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 34th पोजीशन रही है। इसी के साथ ही IIT दिल्ली है, उसकी रैंक रही है 43, और IIT मद्रास की रैंकिंग रही है 50। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए भी कि भाई हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी है वो टॉप 30 में भी नहीं अपना स्थान बना पाई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है CBDRRC। CBDRRC का मतलब क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ है क्या, वो हम देखते हैं। देखो, न्यूज़ ये है अभी कि हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने अभी अप्रूवल दे दिया है हमारी इंडिया की अप्रोच को लेके, कि भाई जो 25वीं कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज होने वाली है स्पेन में, उसमें इंडिया का रोल क्या रहेगा, किस तरीके से इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं पहले कि CBDRRC है वो है क्या। देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का नाम तो आपने सुना होगा, UNFCCC। इसके द्वारा क्या हुआ था, 1992 में एक UNFCCC ट्रीटी है वो साइन की गई थी, और इस ट्रीटी में ये बात निकल के आई कि भाई जो कंट्रीज है ना, सबको प्रॉब्लम तो हो रही है क्लाइमेट चेंज से, तो उनकी भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सब कंट्री की कोई ना कोई तो कैपेसिटी है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और वहाँ पे एक वर्ड निकल गया CBDRRC। CBDRRC का मतलब क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्ट कैपेबिलिटीज। अब देख लेते हैं इसमें है क्या। देखो, नाम से ऐसा पता चल रहा है कॉमन मतलब प्रॉब्लम तो सबके लिए कॉमन है। प्रॉब्लम कौन सी होगी? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हर एक कंट्री की अलग अलग होंगी। क्यों? क्योंकि देखो, आपको बताया वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि सारी कंट्रियों के पास खूब पैसा है, सारी कंट्री डेवलप नहीं है। कई कंट्री काफ़ी पुअर हैं, कई कंट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, कई बीच में हैं। तो मतलब हर एक कंट्री के वो अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग आप बोल सकते हो कि औकात हर एक कंट्री की क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अलग अलग ही रखेंगी। प्रॉब्लम कॉमन है बट काम करने का तरीका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सबकी अलग अलग हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंट्री हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस है वो करेंगी, और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की तरफ अग्रसर करने वाली हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हर एक कंट्री अपने लेवल पर प्रयास करेगी, और जो भी उचित सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये बात कब की गई थी? 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जब बात की गई, ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें बात आई CBDRRC की। तो अभी इंडिया ने कहा है कि भाई जो UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस जो पार्टी आयोजित होने वाली है इस बार स्पेन में, वहाँ पे इंडिया का रोल है वो क्या रहने वाला है, इस चीज़ पे फोकस है वो किया जाएगा। किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है? जैसा मैंने एक बार आपको बताया, फिर बता देता हूँ कि डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, हर एक कंट्री की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो डिफरेंट हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए ऑब्वियसली। क्योंकि अब देखो, जितना एक गरीब कंट्री पैसा खर्च कर सकती है, जैसे क्या मान लो कि इंडिया जितना पैसा क्लाइमेट चेंज से निपटने में खर्च कर सकती है, USA को उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि USA की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है, USA की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि USA ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा करें।
जैसे देखो इसमें दिया गया कि 1992 में जो ट्रीटी हुई थी उसमें ये वर्ड सामने आया था CBDRRC के बारे में। हुआ क्या, इसमें कंट्रियों को दो भागों में डिवाइड किया गया था CBDRRC में, एक तो वो कि NX1 कंट्रीज और दूसरी नॉन एनएक्स कंट्रीज। देखो थोड़ा डिफरेंस है वो ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, उनमें भी NX1 NX2 कंट्रीज का लॉजिक है, बट यहाँ पे CBDRRC में क्या है कि कंट्रियों को दो ही भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो NX1 कंट्रीज और एक है नॉन NX1 कंट्रीज। NX1 कंट्रीज में कौन सी हैं, वो कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, मतलब जैसे USA हो गया, UK हुआ, जापान हुआ, ये कंट्रीज हैं डेवलप वाली जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो आती हैं NX1 में, और नॉन NX1 में आती हैं डेवलपिंग कंट्री या फिर जो बाकी बची हुई रहेगी वो कंट्रीज। इस बात पे फोकस किया गया है कि जो NX1 वाले कंट्रीज हैं यानी कि वो कंट्री जो डेवलप हो चुकी हैं उनके टारगेट हैं वो ज़्यादा रहेंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा रहेंगी और उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी एक्शन लेना है वो बाइंडिंग भी रहेंगे। और ध्यान रखना कि CBDR जो RC है इसमें जो NX1 और NX2 नॉन NX को क्लासिफाई किया गया है ना, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में आया था उसमें भी इस चीज़ को कोडिफाई किया गया है कि भाई NX1 कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, नॉन NX1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी और उन पे रूल ज़्यादा मतलब टाइट है या वो सो ज़्यादा स्ट्रिक्शन है वो नहीं रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है UNEP फ्लेक्सिप एमिशंस गैप रिपोर्ट। देखो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा अभी एमिशन गैप रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। क्या एमिशन गैप, पहले तो वो समझते हैं। देखो एमिशन गैप का सीधा सीधा मतलब ये है, एक तो जो कंट्रीज ने टारगेट रखा है या ऑल ओवर वर्ल्ड ने कि भाई इस साल यानी कि जो हमारी 21वीं शताब्दी है इसके एंड तक हमें टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ये तो है हमारा टारगेट कि भाई इससे ज़्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे। बट अभी जो हम कर रहे हैं या अभी जो एक्टिविटीज या जो भी एक्शन हम ले रहे हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, उनसे क्या रिजल्ट रहा है और कितना एमिशन है वो होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। टारगेट क्या है कि 21वीं शताब्दी के एंड तक हमें जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, बट जैसे आज के हालात हैं उस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि भाई 21वीं शताब्दी के एंड तक जो टेम्परेचर है ना वो 3.5 डिग्री बढ़ जाएगा ना कि 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंस है ना बीच में 2 डिग्री सेल्सियस का, यह है एमिशन गैप कि भाई इतना एमिशन गैप हो रहा है तो इसको कैसे एड्रेस करना है, कौन कौन सी कंट्री को कैसी अप्रोच लेके आनी चाहिए ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही जो टारगेट रखा गया है इसको अचीव कर सकें, उसके लिए इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों पर फोकस है वो किया गया है। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट मेजर्स द गैप बिटवीन व्हाट वी नीड, मतलब हमें कितना चाहिए, 1.5 डिग्री चाहिए इस शताब्दी के एंड तक, एंड व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, अभी कर कैसे रहे हैं, अभी जो हालात हैं उस हिसाब से हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 3.5 डिग्री बढ़ सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे आपको चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोनों के बीच में जो गैप आ गया ना 2 डिग्री सेल्सियस का, ये हो गया यहाँ पे एमिशन गैप। तो ये पूछ सकते हैं UPSC की एमिशन गैप है वो है क्या। कुछ फैक्ट हैं देखो एमिशन गैप रिपोर्ट्स के, फैक्ट ये दिए गए हैं कि वर्ल्ड है वो फेल हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर का टारगेट लिया था ना हमने पेरिस एग्रीमेंट में कि भाई इस शताब्दी के एंड तक हम जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देंगे। राइटर का ये कहना है इस रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि जिस तरीके से अभी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है ना, उस हालात से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 21वीं शताब्दी के एंड तक, और हर साल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 7.6% की रेट से बढ़ रहा है, जबकि हमें करना है कम, तो कम होने के कारण तो बढ़ा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एवरेज टेम्परेचर था वो भी बढ़ेगा ही, कम तो होने का सवाल ही नहीं है। इसके बाद में बताया गया है कि जो टॉप 4 कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैस एमिट करती हैं, उसमें नंबर 1 पे है चाइना, सेकेंड पे है USA, थर्ड पे है यूरोपियन यूनियन और फोर्थ पे है इंडिया। तो ये 4 जो कंट्रीज़ हैं अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का लगभग 55% जो टोटल एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब ये 4 कंट्री वर्ल्ड का 55% ग्लोबल वार्मिंग की गैस को एमिट है वो करती हैं। इसी के साथ ही डिफॉरेस्टेशन है वो भी बढ़ रहा है और लैंड चेंजेस हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने पड़ रहा है कि इनको तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो लैंड यूज से भी जो एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का या डिफॉरेस्टेशन से जो एमिशन हो रहा है इसको तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया, अगर वो शामिल किया गया तो हालात कुछ और भी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम जो लैंड यूज से एमिशन होता है, देखो लैंड यूज से ग्रीन हाउस एमिशन कैसे होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन जैसी या काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें हैं वो हमारी ज़मीन में दबी हुई रहती हैं,
तो जब हम खेती वगैरह करते हैं, लैंड यूज करते हैं, तो जब ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जो ज़मीन में दबी हुई गैस है वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है ना। तो दिया गया है कि अगर जो लैंड यूज का एमिशन भी काउंट हम करें तो ब्राज़ील है वो नंबर वन पे एमिटर है, वो आ जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिट है वो ब्राज़ील करता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सतत इनिशिएटिव। क्या है सतत इनिशिएटिव वो हम देख लेते हैं। सतत का मतलब है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव, मतलब कहीं ना कहीं अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है और सस्टेन तरीके से अल्टरनेटिव मेथड की बात यहाँ पे फोकस है वो की जा रही है। देखो ये इस चीज़ का फोकस ये है कि इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है ना, जो कि आजकल जैसे कि स्टेबल बर्निंग, आपको पता है दिल्ली एनसीआर में एक सबसे बड़ी इशू माना जाता है कि विंटर सीजन में, कि भाई जो दिल्ली के आसपास के स्टेट हैं वहाँ पे स्टेबल बर्निंग की जाती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है वो हो जाता है। तो इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है इनको एड्रेस करने के लिए और जो मेनली स्टेबल बर्निंग से हो रही है उनको काउंटर करने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया है जिसका नाम है सतत इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या करेगा, ये एक डेवलपमेंट एफर्ट है वो लेके आ रहा है किसके लिए, व्हीकल यूजर्स के लिए और फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। थोड़ा समझते हैं कैसे। देखो किसानों की प्रॉब्लम क्या है, किसानों की प्रॉब्लम ये है कि भाई उनके पास जब वो खेती करते हैं, जो मतलब खरीफ की फसल होती है, इसके बाद में जब भी वो फसल के थोड़े रेसिड्यू वगैरह बच जाते हैं, मतलब फसल के जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं उनको वो ज़मीन से निकाल नहीं सकते, इसलिए वो उनको जला देते हैं ताकि जल्दी से वो जल जाएं तो फिर वो नई खेती है वो कर सकें। क्योंकि देखो टाइम है, खरीफ की जब फसल काटी जाती है दिवाली के आसपास और उसके तुरंत बाद बहुत कम टाइम होता है किसानों के पास कि उनको रबी की फसल की बुआई है वो करनी होती है, तो वो क्या करते हैं जो भी खेतों में फसल का वेस्ट बचा है, रेसिड्यू वगैरह अवशेष, उनको जला देते हैं ताकि जल्दी से काम है वो निपट जाए। और अगर हम बात करें दूसरी साइड, जो भी एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं उनको क्या चाहिए, मतलब कंपनियों को क्या चाहिए, कंपनियों को देखो जलाने के लिए ईंधन वगैरह चाहिए कि कहीं ना कहीं तो उनको कुछ ईंधन तो मिले ना, तो उसका वो यूज़ करके कोई भी अच्छा यूज है वो यूटिलाइजेशन है वो कर सकती हैं। तो जो ये सतत इनिशिएटिव है इसमें ये फोकस किया जाता है कि भाई जो फसल की रेसिड्यूज है ना या फसल का जो भी अवशेष है खेतों में, इसको क्या किया जाए कि जो एंटरप्रेन्योर्स है ना उनको दे दिया जाए फसल रेसिड्यू को, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स या नए जो बिजनेस हैं स्टार्टअप्स हैं ये क्या करेंगे इस फसल रेसिड्यू या फसल के अवशेष को यूज़ करके बायोगैस प्लांट हैं वो लगाएंगे और फिर उन बायोगैस का यूज है वो किया जाएगा एक अल्टरनेटिव के तौर पे और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट में, मतलब व्हीकल वगैरह में उस बायोगैस का यूज है वो किया जाएगा जिस तरीके से हम व्हीकल्स में सीएनजी जैसी गैसों का यूज़ करते हैं, सीएनजी एलपीजी जैसे का, उसी तरीके से जो फसल के वेस्ट से जो गैस जनरेट होगी उसका यूज़ किया जाएगा व्हीकल इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इसके लिए ये इनिशिएटिव है वो लाया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हीकल यूजर्स और फार्मर और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं सबको इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे किसानों का जो भी फसल रेसिड्यू है इसको इकट्ठा करेंगे और उसको फिर बायोगैस में कन्वर्ट करके प्लांट के थ्रू और फिर इसको अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे व्हीकल इंडस्ट्री को प्रोवाइड है वो फ्यूल के तौर पे किया जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है कंप्रेस्ड बायोगैस। देखो बायोगैस क्या होती है पहले तो जानते हैं, बायोगैस का सीधा सा मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर जो भी रेस्ट्यू अवशेष हो गए या केटल डंग्स, जो गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर वगैरह हो गया, इसी के साथ ही जो म्यूनिसिपल वेस्ट हुआ, इसको क्या है डीकम्पोज करके, डीकम्पोज करने के बाद में जो गैस जनरेट होती है उसको कहा जाता है मेनली बायोगैस। और अगर उसी बायोगैस को आप कंप्रेस्ड कर लो या कंप्रेस करके इकट्ठा कर लो किसी सिलेंडर वगैरह में कहीं पर, तो उसको कहते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंप्रेस्ड बायोगैस किसे जनरेट की जाती है, वही जैसा मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर वेस्ट हुआ, केटल डंग्स हुआ, शुगर केन जो प्रेस मड हुआ, इसके साथ ही म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट हुआ, सीवरेज ट्रीटमेंट का जो वेस्ट हुआ वो, इससे बायोगैस जनरेट की जाती है। और फिर उस बायोगैस को अगर हम कंप्रेस कर देते हैं तो वो कंप्रेस्ड बायोगैस के नाम से कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस में 95% जो चीज़ होती है, 95% जो हिस्सा होता है वो होता है मीथेन का। आपको पता है मीथेन क्या है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये एक प्रॉब्लम का कारण मतलब विषय भी है कि भाई इतनी ज़्यादा बायोगैस अगर जलेगी तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बढ़ सकता है। बट ये एक अल्टरनेटिव मेथड भी है क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को बहुत वैसे इनडायरेक्टली कम नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखना कि कंप्रेस्ड बायोगैस में 95% है वो मीथेन होती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है ट्रेकिसियम एपेटी के बारे में। देखो ट्रेकिसियम एपेटी है वो अरुणाचल प्रदेश में एक स्नेक की नई स्पीसी है वो डिस्कवर की गई है। अरुणाचल प्रदेश में तेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
वहाँ पे इस सांप की स्पीसीज को, प्रजाति को डिस्कवर है वो क्या गए हैं। और मेनली जो ट्रेकिनम स्पीसीज है ना, ये क्या है, हिमालय वाले रीजन में ही पाई जाती है, मतलब हिमालय वाला जो बेल्ट है ना, इसी में मेनली है पाई है वो जाती है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में नई स्पीसीज है इसकी, या नई प्रजाति है सांप की, वो डिस्कवर की गई है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यह जहरीला नहीं है, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि नॉन, एक तरीके से मतलब बहुत कम जहरी, नॉन सॉरी नॉन क्या, जहरीला बिल्कुल भी नहीं है, या नॉन वेनोमस के नाम से भी इसको जान सकते हैं। नॉन वेनोमस का मतलब क्या हुआ कि गैर जहरीला इसे बोलते हैं। तो ये थी देखो आज की हमारी न्यूज़। अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो कोकली सिमंड्स के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है एशिया की, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने इंडिया के इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस देखी कि इंडिया के इंस्टीट्यूट के क्या हालात हैं। इसी के साथ हमने CBDRRC के बारे में जाना कि CBDRRC क्या है, क्या इसके टारगेट रखे गए हैं, कौन कौन से इसके चैलेंजेस हैं। फिर हमने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो एमिशन गैप रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस किया कि टारगेट कहाँ है, कहाँ हम लेग कर रहे हैं। इसी के साथ हमने एमिशन गैप रिपोर्ट के इन बारे में इंडिया के क्या इफेक्ट हैं उनको भी यहाँ पे कवर किया। साथ ही हमने सतत इनिशिएटिव के बारे में जाना कि सतत इनिशिएटिव क्या है, फार्मर्स और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करवाएगा ताकि एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है फ्यूल का, वो यूज़ किया जा सके। इसी के साथ हमने कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में जाना जिसमें 95% वो मीथेन होती है। और लास्ट में हमने ट्रेकिसियम एपेटी, जो एक सांप की नई प्रजाति है जो कि नॉन वेनोमियस है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।